वीडियो देखकर कोई आया कि नहीं? बिल्कुल आए, चार पांच लोग आए हैं। एक तो बिहार शरीफ से आए हैं। अच्छा, स्पेशली बिहार शरीफ से खाने के लिए ही आए। अरे वाह, मतलब वीडियो देखकर। मेडिकल पेशा छोड़ तैयार किया चिकन बेजोड़। जगह देखकर थोड़ा सा आप अनुमान लगा रहे होंगे कि हम कहां पर हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था कंपाउंडर साहब का मटन, तो आज वहीं पर हम आए हैं दोबारा से। और सबसे मुझे खुशी इस बात को मतलब सुनकर हुई, कंपाउंडर साहब ने मुझे बताया कि आपके वीडियो को देखकर बहुत लोग आए हैं, मतलब बहुत क्या, चार पांच लोग आए हैं खाने के लिए। कुछ बिहार शरीफ से भी आए हैं लोग खाने के लिए और बड़ा तारीफ किए। तो हमने सोचा कि चलिए एक बार फिर चलते हैं और वहाँ पर आज चिकन का हम लोग पूरा प्रिपरेशन दिखाएंगे। तो आ गए यहीं पर आप लोगों के लिए एक नया कॉन्टेंट लेने के लिए। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना भाई साहब, मैगी जो मसाला होता है ना, मैगी मसाला से तैयार होता है यहाँ पर मतलब चिकन। थंबनेल देखकर आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो मैजिक मसाला होता है ना, वही यहाँ पर यूज़ करके इस्तेमाल करके ना चिकन जो स्टू होता है, देहाती चिकन स्टू, वो तैयार होता है। तो समय ज़ाया नहीं करेंगे, धूप बहुत ज़्यादा है, तेज इंट्रो थोड़ा लेट शूट कर रहे हैं, चलते हैं और पूरा चिकन का जो रेसिपी होता है लहरिया स्टाइल में, उसको देखते हैं और टेस्ट का लहरिया आपके साथ मिलकर लूटते हैं। तो चलिए देर मत करिएगा, चलते हैं कंपाउंडर साहब का कंपाउंडर चिकन देखने और इसका जायका लेने। चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस, ये तेल जो है ये चला गया। तो ये तेल कितना लगभग गया है इसमें? इसमें तेल गया है लमसम में 400 ml। 400 ग्राम। तो आज अभी क्या तैयार होने वाला है? चिकन। वाह भाई साहब, स्टाइल होने वाला है कि मतलब क्या होने वाला है? एकदम देसी, प्योर बिहारी स्टाइल। बिहारी स्टाइल। अरे भाई साहब, ये देखिए, ये सब लहसुन के खड़े पोट हैं भाई साहब, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मसाले तड़के के लिए, और ये प्याज काफी फ्रेश। मतलब अभी मटन वगैरह बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल, मटन तो हमारे यहाँ कंटिन्यू है। अच्छा, कंटिन्यू है। बनाए थे तो कस्टमर लोगों ने उन्हें बहुत अच्छा डिमांड दिया है। मतलब वीडियो देखकर कोई आया कि नहीं? बिल्कुल आए, चार पांच लोग आए हैं। एक तो बिहार शरीफ से आए हैं। अच्छा, बिहार शरीफ से आए हैं? ओ भाई साहब, क्या बात है। क्या बोल रहे हैं? स्पेशली बिहार शरीफ से खाने के लिए ही आए। अरे वाह, मतलब वीडियो देखकर। ओ भाई साहब, क्या बात है। तो आज जो है ये चिकन स्टू तैयार होगा। तो ये चिकन स्टू जो है एकदम मतलब ये मटन के ही तरीके से होगा या कुछ अलग तरीका है इसका? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सिंपल तरीका रहता है, कोई इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। अच्छा, मतलब अदरक लहसुन का भी पेस्ट जो है सामने रेडी करेंगे। अच्छा, सब कुछ सामने, पहले से पिसा हुआ नहीं? नहीं। ओहो, अच्छा, ये हरा मिर्च डाल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, यानी कि एकदम लाल मिर्च के साथ हरे मिर्च का भी थोड़ा सा टच है इसमें। और ये देखिए गाइस, तो ये लगभग कितना मिर्च इसमें डालते हैं आप? 6 से 7 कर लिए। अच्छा, और आज चिकन कितना तैयार होगा लगभग? 2.5 kg चिकन है। 2.5 किलो। ओके गाइस, तो बहुत जगह पे मैं जाता हूँ, कम क्वांटिटी पे लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब चार पांच लोग भी अगर आते हैं उस वीडियो के माध्यम से। अदरक कटिंग उसी स्टाइल में, ये अदरक डालकर लहसुन में मिलाया जा रहा है, एकदम देसी व्यवस्था रखे हुए हैं। छोटा खल है, छोटा खल है, बस थोड़ा सा तो मसाला ही रेडी करना है। हाँ, वही बात है। आपका जो है इलायची भी डाला हुआ है। अच्छा, इसमें इलायची भी है। हाँ, वही पूछ रहे थे कि आप लोग। ओहो, ये देखिए गाइस, इलायची भी सारा। अच्छा, इलायची भी, ये देखिए गाइस, ये सब मतलब सब कुछ मिक्स है इसमें। इसमें क्या क्या है एक बार फिर से बताएंगे? इसमें गोलकी है, जीरा है, लाल मिर्च है, इलायची है, खड़ा गर्म मसाला है। अच्छा, सब कुछ मतलब डाल दिया आप तो? हाँ, ये तो लग रहा है कहीं सा नहीं कि मटनों को फेल कर दे चिकन है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट सामने तैयार हो रहा है, मटन और चिकन दोनों दोनों बिल्कुल। वाह भाई साहब, और ये देखिए तेल गर्म हो गया है और अभी जो है ये फोरन वाला तड़का जो बोलते हैं ना चिकन के लिए, वो लगने वाला है। ओहो, ये पूरा तड़का लग गया एकदम। ये देखिए गाइस, तड़का लगने के बाद एक अलग मतलब एक अलग ही मतलब स्मेल आता है आपको। हाँ बिल्कुल, तो ये जो चिकन आप बनाते हैं ये मटन से कैसे अलग है, मतलब क्या इसमें तरीका थोड़ा सा अलग करते हैं? तरीका दोनों का सेम है, बस चिकन में थोड़ा सा मसाला का फर्क होता है। अच्छा, और ऐसा कुछ नहीं, टेस्ट आपको दोनों को बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है,
और आपका स्पेशलाइजेशन भी है चिकन लिट्टी भाई है? जी जी जी। ये देखिए गाइस, एक वाह, एकदम अच्छे तरीके से इसे ये देखिए गाइस, एकदम अच्छे तरीके से प्याज वही है 2 kg। ये देखिए प्याज का बारिश, ये देखिए गाइस प्याज का बारिश जो है, छेटे जब उड़ते हैं ना तब पता चलता है कि लगता है तैयारी हो रही है शुरू। ओहो क्या बात है भाई साहब, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, मतलब बस ये है कि तैयारी और टेस्ट बहुत तगड़ा होना चाहिए, क्या प्रिंस जी? बिल्कुल नहीं, और जैसा कि हम पहले भी बताए थे 2 से 3 टर्न में बनाते हैं। तो ये जो होगा मतलब किस चीज़ के साथ, ये भी लिट्टी के साथ या इसके लिए कुछ व्यवस्था अलग किए हैं? अभी तो फिलहाल लिट्टी ही है। अच्छा। कुछ कस्टमर हैं जो बोले थे चावल के लिए, तो आज सिर्फ फ्राई के लिए चावल भी थोड़ा सा बना रहे हैं। अरे वाह भाई साहब, देखिए अच्छा ये देखिए एकदम शानदार तरीके से तैयारी चिकन स्टू की। सीक्रेट मसाला यूज करिएगा कि इसमें भी एकदम सिंपल मसाला यूज करिएगा? कोई सीक्रेट मसाला नहीं, सीक्रेट नहीं करिएगा, बिना सीक्रेट का टेस्ट मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। हां हां, और जो लोग कहते हैं कि सीक्रेट मसाला, वो मुझे बता दे कि हाँ सीक्रेट मसाला कहाँ से लाते हैं। अच्छा, घर से लाते हैं या घर में कहीं पेड़ है उनका, कुछ बताएंगे तभी तो। अच्छा तब अभी लाइएगा सीक्रेट है। ये देखिए भाई साहब, ओहो क्या बात है। एक और ये देखिए गाइस, ये अभी क्या जाने वाला है प्रिंस जी, चिकन? तो अभी मतलब स्टार्टिंग में ही डाल देते हैं चिकन? बिल्कुल बिल्कुल, प्याज के ही पानी से चिकन जो है बॉइल्ड हो जाए। अच्छा, प्याज का पानी ही यूज करिएगा इसको। ये देखिए, ये चिकन एकदम डाला गया। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब पूरा तैयार हो जाता है प्याज वगैरह, तब चिकन डालते हैं ऊपर से। अपना अपना बनाने का रेडी तरीका है। और चिकन कैसा लेते हैं, मतलब बड़ा लेते हैं या छोटा लेते हैं? छोटा चिकन रहता है, 1 kg 1.5 kg तक का ही चिकन हम लेते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा फिर बेकार हो जाएगा, टेस्ट में बेकार आ जाएगा। ये देखिए, रबड़ को चबाना हो जाएगा। हाँ, उसका थोड़ा सा गलने में भी समय लगता है उसको? गलने में समय की बात नहीं है, वो गलेगा ही नहीं। अच्छा, और वो रबड़ के तरह लगेगा खाने में। ये देखिए वाह, ये चिकन देखिए भाई साहब, चिकन का एकदम मतलब मालिश कर रहे हैं अभी आप, चिकन मालिश इसी को बोलते हैं प्याज के बेस पे। ओहो भाई साहब क्या बात है, ये देखिए तो 7 सालों का मेडिकल लाइन के एक्सपीरियंस के साथ फाइनली मटन और जो चिकन है वो आप इतना बढ़िया बना दिए, ये अपने आप में समझिए तो बहुत बड़ा मतलब एक विक्ट्री है। ऑलराउंडर है सर है ना। अभी देखते हैं ना, क्रिकेट टीम में बैट्समैन की कम जगह रहती है, बॉलर की कम है, लेकिन ऑलराउंडर ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। लग रहा है इससे पता चल रहा है IPL एकदम देख रहे हैं आप। सही बात है। और ये गया स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक। वाह, और इसे अच्छे तरीके से चलाया गया है, ये देख सकते हैं। इसको अभी ढक दिया गया, तो ये कितना देर तक अभी इसको ढकेंगे? दो मिनट। और अच्छा, अदरक लहसुन है ना? हाँ। Thank you.
प्याज वाला जो मतलब टेक्सचर है ना वो आप देखिए क्या शानदार सा, मतलब गर्म होने के बाद भुनने के बाद प्यार का जो ग्रेवी होता है उसकी तैयारी अभी से दिखने लगी है। मसाला दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए इसमें कौन कौन सा मसाला है। हल्दी है, अच्छा हल्दी है, और ये हल्दी के हल्दी पाउडर जा रहा है। अच्छा ये है हल्दी है, वाह भाई साहब। अच्छा हल्दी में कोई कमी नहीं है। मिर्च, लाल मिर्च, लाल मिर्च हल्का सा, ज्यादा यूज नहीं करते हैं ये लाल मिर्च, बस दो चम्मच, बस दो चम्मच, हाँ थोड़ा सा कढ़ाई चम्मच बोलिए। और ये है गरम मसाला, गरम मसाला होगा ये, हो गया गरम मसाला आपका, ये गरम मसाला होगा। धनिया, ये आपका गया धनिया पाउडर। ओहो ये देखिए इनिशियल स्टेज जो है वो मसाले इस पे जा चुके हैं। ये देखिए भाई वाह, क्या शानदार तरीका, एकदम लग रहा है कि मटन फेल कर देगा इसी के नाम। नहीं नहीं मटन देखिए, मटन क्या है, मैं पहले मटन नहीं बनाता था, ओनली चिकन रखता था। कुछ लोगों ने और बोला मटन बनाइए, आपने भी बोला मटन बनाइए, मटन को भी मैंने बनाया तो लोगों ने प्यार दिया मटन को। क्या बात है, लोग बिहार शरीफ से आ रहे हैं वीडियो देखकर मटन खाने, तो वो किससे बड़ा बात क्या होगा, है कि नहीं। ये देखिए भाई सब थोड़ा बहुत हा? थोड़ा बहुत एकदम हल्का सा, हल्का सा ये क्या है, सीक्रेट मसाला है। ये सीक्रेट मसाला तो आप दिखा दिए हैं, यही है ना सीक्रेट मसाला। ओहो तभी तो हम बोल सकते हैं मैजिक मसाला वाला चिकन है। हाँ बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ओहो भाई साहब मैजिक मसाला वाला चिकन है ये, अभी तक हम लोग मैगी खाए थे 2 मिनट में, लेकिन ये तो एकदम समझिए आपका चिकन हो गया। बिल्कुल इसी को लोग डब्बे में डाल देते हैं और बोलेंगे भैया ये हमारा सीक्रेट मसाला है, घर से मैं अपना बना करके लाया हूँ। आप नहीं डालिएगा क्यों, मुझे देखिए मैं पहले ही क्या, मुझे दिखावटी नहीं करना है, दिखाने वाला काम कुछ नहीं, जो है सामने है। और ये मैजिक मसाला चला गया, मैजिक मसाले वाला ये आज चिकन कैसा बनने वाला है वो तो टेस्ट करेंगे तो बताएंगे। ये चिकन मसाला है, और इसे अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है। ये देखें ऐसा कुछ नहीं है सर, घर पे भी बनाइएगा बनेगा। अब तो आप सीक्रेट मसाला लीके कर दिए तो बनिए जाएगा लग रहा है। बना लीजिए, लेकिन लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए ये हाथों का हुनर होता है, और सबसे बड़ा बात क्या होता है कि सांस पर कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए ये ज्यादा मैटर करता है क्या। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है, 2-4 लोगों का डिमांड था। अच्छा हमारे जो कंटिन्यू कस्टमर हैं, लेकिन फिर भी मटन और चिकन के साथ बिना चावल मजा नहीं आएगा, फिर खाली लिट्टी से काम नहीं चलेगा। तो आज सिर्फ ट्राई के लिए कर रहे हैं। अच्छा परीक्षण है आज, हाँ, और 2-4 दिन के बाद कंटिन्यू कर दिया जाएगा। मतलब एक चीज हो रहा है कि हमारे वीडियो से जो चीज हो रहा है ना वो फिर स्टार्ट हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ये अच्छी बात है। ये देखिए ये देखिए क्या बात है भाई साहब, थोड़ा भुनने के बाद हम लोग कुछ अंतराल के बाद हम लोग मिलते हैं। ये अच्छे तरीके से इसे लगातार भुना जा रहा है, और यहाँ प्रिंट जी एकदम लगातार इसे चला रहे हैं,
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मसाला जितना भुनाया जाए उतना टेस्ट आएगा। अच्छा, देख सकते हैं कि जरा सा भी इसमें अभी पानी का यूज नहीं किया। लेकिन टेस्ट के लिए हल्का सा जाएगा, टेस्ट का तड़का है एकदम। देखिए अभी से एकदम मतलब निकलना शुरू हो गया, थोड़ा सा भी पानी भी नहीं डाला गया है। तो इसमें पानी थोड़ा सा भी डालिएगा या नहीं डालिएगा? हल्का जाएगा 250 ml, मतलब 250 से बस ये रहे कि मतलब लटपट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल पेशा से जुड़े हुए रहे हैं शुरू से, आपने ये प्रोफेशन हमेशा रखा है, तो कभी लोग ये नहीं बोले कि यार तुम इस चीज़ को छोड़कर तुम मटन बनाओगे चिकन बनाओगे, कभी ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर कोई अभी के डेट में सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। मैं कहीं भी काम करता था तो क्या है, सिर्फ अपने बारे में। ये हल्का सा जा रहा है कश्मीरी में, लेकिन ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग हुआ। मेडिकल पेशा छोड़कर सीधा एकदम मतलब मटन और चिकन एक्सपर्ट आप बन गए हैं। ये बहुत हर लोग से पॉसिबल नहीं है। हर लोग देखिए, प्रोफेशन छोड़ना बड़ी बात नहीं है, उसको एंटरटेन करके उसको सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाना बहुत बड़ा बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साइड से अभी अपना आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं, मतलब साइड से कुछ भी? ऐसा कुछ नहीं, फुल टाइम इसी में दे रहे हैं। अच्छा, फुल टाइम दे दिए। हां, दूसरा चीज हमारा खुद का भी बिजनेस कुछ था जो पुराने कस्टमर हैं इलेक्ट्रॉनिक का, ऑल ओवर बिहार में मैं करता था, तो कुछ चुनिंदे कस्टमर है उनका ऑर्डर आता है तो उनको माल चला जाता है। अच्छा, लेकिन मेडिकल लाइन मतलब मेडिकल पैसा पूरी तरीके से छोड़ चुके? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहले भी चिकन डालने से क्या होते हैं, मसाले के साथ में वो भी बॉइल्ड भी हो जाते हैं और मसाला अच्छे से चिकन में जा कर के घुल जाता है। अच्छा, मतलब पूरा घुला हुआ रहता है। और ये देखिए कलर देखिए, मतलब अंतर तो साफ पता चल रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है रंग का रोगन का वो देखिए। और एक बात और है, प्याज जितना ज़्यादा फ्राई होता है ना, टेस्ट मीठापन वाला उतना ज़्यादा। ओहो, ये देखिए सख्त एकदम लेग पीस है एकदम है। और वैसे भी ये मैजिक मसाला वाला चिकन है क्या प्रिंस जी? नहीं नहीं, मैजिक मसाला वाला नहीं, मैजिक मसाला ये हमारा चिकन है। लेकिन नहीं, बिल्कुल। और मैजिक मसाला का रेसिपी का जो चिकन है वो हमको नहीं लगता है आप कहीं भी खाए होंगे, कहीं पर भी। यहाँ पर एक बार आपके ट्राई करिए। तो प्रिंस जी अभी कितना समय और लगेगा? चिकन रेडी है? हाँ रेडी, बिल्कुल। इसमें हल्का सा पानी का यूज करेंगे। क्या बात है, ये हल्का सा पानी गया। जब तक ये हल्का सा मतलब लगभग 5 से 10 मिनट के बाद जब रोगन जो होगा ना वो अब पूरे तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्या जा रहा है प्रिंजी? ये धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता, वाह ये तो एकदम क्या बात है। और इसे अच्छे तरीके से फैला दिया गया है। ओहो क्या बात है, रोगन आप एकदम टाइट है भाई साहब। मसाला है, अब हम लोग अगर बोल दें कि मैगी मसाला से ही चिकन बना है और ऐसा शानदार सा रोगन आया है, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ये है कंपाउंड्री चिकन। अरे गजब भाई, आहा। गाइस, मेरे पीछे ये है कंपाउंडर साहब का चिकन और थोड़ा सा बाहर में ही सेटअप करके हम लोग देसी अंदाज में यहाँ पे चिकन और लिट्टी का आनंद उठा रहे हैं। थोड़ा नजदीक आइएगा, ये देखिए चिकन का रोगन देखिए भाई साहब, क्या सख्त सा रोगन है देखने में लग रहा है। और क्या रंगत है भाई साहब, ये देखिए लेग पीस है और लेग पीस के साथ ये देखिए भाई साहब हमने लिया है देसी लिट्टी और इसी लिट्टी के साथ हम लोग करने वाले हैं इसे। प्याज है और हरी मिर्च है और कॉम्प्लीमेंट्री आपके सामने में है। और ये देखिए एक बार फिर से दिखाएंगे रोगन, कितना सख्त सा रोगन है भाई साहब। ओहो क्या बात है भाई साहब, तो समय ज़ाया नहीं करेंगे। ये लिट्टी हमने तोड़ा, लिट्टी तोड़ने के बाद इसे हम लोग थोड़ा सा ग्रेवी में डिप करते हैं। ग्रेवी में डिप करने के बाद इसे हम थोड़ा सा करते हैं ट्राई।
अल्टीमेट दिखाइए। रोगन बहुत बढ़िया है भाई साहब, कोई बहुत ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया गया है, एकदम लाइट स्टू है और अंतर बस इतना है कि मैजिक मसाला जो मैगी मसाला होता है उसे डाला गया है और उसे डालने के बाद जो रोगन है ना वो आपके सामने है भाई साहब, बहुत शानदार। एक बार फिर से डिप किया और लेते हैं। वाह मज़ा आ गया एकदम भाई साहब। देखिए कुछ लोग आए थे यहाँ खाने के लिए मटन और वो लोग चिकन भी खाए, मज़ा आ गया उनको खा के। आप पटना में है ना तो एक बार आइए और यहाँ पर जो है ना इस लोकेशन पर एक बार कंपाउंडर साहब का एक चिकन ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा भाई। आप देखिए क्वांटिटी से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है तरीका से, मतलब होता है टेस्ट से। कम क्वांटिटी भी अगर अच्छा टेस्ट दे तो हमको लगता है 30 किलो 40 किलो के ऊपर खेल है। प्याज लेते हैं, वाह। और लिट्टी का फीलिंग देखिए, लिट्टी का फीलिंग एकदम लाइट है और सत्तू वगैरह के साथ जवाइन मंगरेल वगैरह सारा कुछ इसमें डाला गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। फिर से एक बार इसके रोगन के साथ ही हम अभी ले रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, देखिए एकदम डीप की। अरे इसको डुबा देते हैं एकदम, जैसे रसगुल्ला होता है ना वैसे डुबाने के बाद, देखिए गर्म है भाई साहब, डुबाने के बाद ये हो गया सॉफ्ट। अब करते हैं ट्राई, क्या बात है, मजा आ गया भाई साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। चावल और रोटी के साथ भी खाइएगा ना एकदम मजा आ जाएगा, लहरिया लूट लीजिए एकदम। और ये है लेग पीस, ये देखिए भाई साहब, ये है लेग पीस और इस लेग पीस को हम थोड़ा सा निकालते हैं फिर से। इसका रोगन तो इतना टाइट है ना भाई, मजा आ गया एकदम। बहुत ही जबरदस्त, वाह मजा आ गया। ये लेग पीस है भाई साहब और इस लेग पीस को ट्राई करते हैं। मजा आ गया एकदम, चुई है चुई, मतलब लेग पीस जब खाते हैं ना तो एकदम मतलब जाने के बाद मतलब रसगुल्ला होता है ना एकदम, वही रसगुल्ला रस में डूबा हुआ वही है एकदम छुआ और पूरे मुंह में इसका टेस्ट एकदम घुल गया भाई साहब, मजा आ गया। आइए एक बार यहाँ पे, बहुत स्पेशल जाएगा है और लिट्टी के साथ खाइए, चावल भी है, तैयारी कम है लेकिन हो सकता है आज से चावल स्टार्ट हो जाए। और लूटिए यहाँ पर अपने टेस्ट का लहरिया अपने ही देसी अंदाज में, ओवर करते हैं पूरा प्लेट और मिलते हैं एक नए से वीडियो में, नए जगह पे। और नए हैं भैया तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। वाह मतलब ऐसे मिलाया ऐसे डाला।